हरदोई के CNS PG कॉलेज मैदान में छात्र संसद का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि विधानसभा उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल रहे। इस दौरान यहां पर छात्र छात्राओं ने छात्र संसद के माध्यम से विधानसभा उपाध्यक्ष से अपनी शंकाओं को लेकर तमाम सारे सवाल किए और नितिन अग्रवाल ने उनके जवाब भी दिया। नितिन अग्रवाल ने कहा, जब नींव मजबूत होती है तो जीवन में हर मुश्किल घड़ी में व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा रहकर घर परिवार के लिए बेहतर काम कर सकता है। नितिन अग्रवाल ने कहा कि उन्हें अच्छा लगा कि वो नौजवान पीढ़ी से कनेक्ट होने को आए और बच्चों ने उनसे सवाल किए। नितिन अग्रवाल ने कहा कि बच्चों ने बहुत अधिक उन्हें जानकारी है और जानकारी तभी हो सकती है जब पढ़ाई अच्छी हो। कॉलेज है हमारे शहर का, मैं यहाँ पे जितने भी बच्चे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनसे संवाद करने आया था। मैं चाहता भी हूँ कि नौजवान पीढ़ी मुझसे संवाद करे, एक कनेक्शन जरूर होना चाहिए तो हमारे उनके बीच में। और मुझे आज बड़ी खुशी है, जिस सवाल आज मैंने उन बच्चों ने किए हैं मुझसे, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी का इससे संबंधित हो, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन या अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उन सेक्टर्स के बारे में जो बच्चों ने पूछा है, तो मुझे अच्छा लगा कि बच्चे कम से कम उनको नॉलेज है हर चीज़ की। और जो जिस तरीके की, क्योंकि ये नॉलेज तभी आ सकती है जब आप रीड कर रहे पढ़ रहे हों, आपको आप अलग अलग विषयों पर पढ़ते हों, अलग अलग विषयों पर आप उसकी जानकारी रखते हों, ये तभी आप संभव है और मुझे अच्छा लगा है। और आज सवा घंटे में मैं अपने दोई में नौजवान पीढ़ी के बीच में रहा हूँ, बच्चों के बीच में रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चे अपने फ्यूचर के बारे में भी सजग हैं, उन्हें उनको फ्यूचर में उनको क्या करना है उसकी उनकी जानकारी है, कैसे करना है और मैं क्या कर सकता हूँ उनके लिए। बीच में हमारे बीच में दो सभी विषयों पर संवाद हुआ है। और मैं हरदोई जनपद के कम से कम एजुकेशन सेक्टर में मैं जो कुछ भी और अपने प्रयास करके जितना भी मैं इन बच्चों के भविष्य को और बेहतर करने के लिए जो कुछ भी कर पाऊंगा मैं प्रयासरत रहूंगा और हमेशा रहता भी हूं। और आगे भी मैं सरकार से प्रयास करके हरदोई जनपद में एजुकेशन का स्तर और बेटर हो और भी अच्छी जानकारियां हरदोई में आए एजुकेशन लाइन में, इसके लिए मैं प्रयासरत रहूंगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMDNews.